स्वागत है आप सभी का फिर से एक मेरे नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में, एक नई लोकेशन के साथ मेरे यूट्यूब चैनल साइकिल ट्रेवलिंग दिल्ली में। दोस्तों आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही अच्छी शानदार लोकेशन पे लेके हैं। लोकेशन का नाम है हजरत सेला बाबा की दरगाह और ये दरगाह बनी हुई है मांदरो टांडा कलीनगर के जंगल के बीचों बीच के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको दरगाह का पूरा दीदार कराएंगे, पूरा व्याकरण कराएंगे। अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो आपको आना होगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूरनपुर कलीनगर मांदरो टांडा के ये जंगल के अंदर दरगाह बनी हुई है। वैसे तो यहां पर कई चीज़ें बनी हैं घूमने के लिए, जैसे कि सबसे पहले बाइफरकेशन सेला बाबा की दरगाह जो जंगल में बनी हुई है, शारदा सागर डैम जो एक समुद्र की तरह बना हुआ है, चूका स्पॉट टाइगर रिजर्व, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बना हुआ झूला पुल, ये सभी बहुत ही खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए, जिसमें चूका स्पॉट और टाइगर रिजर्व का टिकट ऑनलाइन बुक करना होता, पहले बुकिंग करनी होगी तब आप जाएंगे। बाकी जगह कोई टिकट चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। पिकनिक मनाने की खूबसूरत अच्छी जगह है सबसे। तो मैं आज आपको लेके चलता हूँ बाइफरकेशन के पास में जो जंगल में बनी हुई दरगाह है, हजरत सेला बाबा की दरगाह। आज आपको पूरी दरगाह का मैं दीदार कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हजरत सेला बाबा की दरगाह आपको बंगाली कॉलोनी पार करते हुए जंगल की तरफ जाना होगा। देख सकते हैं ये थोड़ा जंगल पड़ता है जो दरगाह की तरफ जाता है, यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। और ये दरगाह जो है वो जंगल में बनी हुई है, आसपास कोई बस्ती नहीं है। और यहाँ पर हर साल दरगाह पर मेला भी होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर होती है। अब मैं आ चुका हूँ बिल्कुल दरगाह के पास में, करीब में दूर से ही दरगाह देख रही है, देख सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग नहीं होते, एक ही दो लोग आते हैं जो मतलब यहाँ पर दरगाह के पास कोई बस्ती नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग नहीं होते, एक ही आध लोग होते हैं। और दरगाह खुली भी रहती है। मैं आपको दरगाह के अंदर लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरिया पूरा दरगाह का ही है, देख सकते हैं यहाँ से कितनी खूबसूरत दरगाह दिखाई दे रही है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको दरगाह के अंदर भी लेके चलूँगा। दरगाह का मेन गेट खुला हुआ है, तो मेन गेट से अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, जायरीन आए हुए हैं जो दरगाह के अंदर हैं। तो देख सकते हैं ये है सेला बाबा की दरगाह और पास में ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज भी होती है और यहाँ पर इमाम साहब आते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं। और इस समय यहाँ पर कोई है नहीं, और जब यहाँ पर सेला बाबा का जो उर्स चलता है, मेला चलता है, तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, काफ़ी यहाँ पर मेले में भीड़ होती है और दुकानें लगती हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ दरगाह के अंदर, देख सकते हैं सामने आप दरगाह है। और दरगाह के मेन द्वार जो अंदर का द्वार है वहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ, चलते हैं अंदर। तो दोस्तों दरगाह के अंदर वाले दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, मैं आपको कैमरा अंदर करके, फ़ोन को अंदर करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं सामने दरगाह बनी हुई है, हजरत सेला बाबा की ये दरगाह है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पर काफ़ी जायरीन आते हैं, ये जंगल के अंदर बनी हुई है फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जायरीन आते हैं और यहाँ से फैज पाते हैं। काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लोकेशन है ये, जंगल में बनी हुई है जो दरगाह। Thank you.
दोस्तों शारदा सागर के डैम में यहाँ पर कई नदियों का मिलन होता है, कई नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जब शारदा सागर में ज़्यादा पानी का जल स्तर बढ़ जाता है तो यहाँ से कुछ पानी छोड़ा जाता है जो नदियों के सहारे से इधर से दक्षिण साइड में जाता है और पानी को कम किया जा। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया होगा और पानी का बहाव को रोका जाता है यहाँ से और पानी को छोड़ा भी जाता है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी लोग वीडियो बनाने भी आते हैं कि काफ़ी खूबसूरत एरिया है ये। और आप जो सामने देख रहे हैं यही है टाइगर रिजर्व, यहाँ से टाइगर रिजर्व के अंदर जाते हैं। दोस्तों ये जो आप समुद्र की तरह देख रहे हैं इसकी काफ़ी वर्ग क्षेत्र में लंबाई चौड़ाई बनी हुई है, इसी को कहते हैं शारदा सागर डैम, जो काफ़ी वर्ग क्षेत्र में बना हुआ है। और जो बाहरी के लोग आते हैं वो चौंक जाते हैं कि इतना बड़ा डैम है और ये बिल्कुल समुद्र की तरह दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पानी ही पानी। काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है दोस्तों यहाँ पर। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डैम से नीचे उतरते हुए, देख सकते हैं सामने कॉलोनियाँ बनी हुई हैं जो बंगाली जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर मौसम रहता है। गर्मियों में भी यहाँ पर अच्छा लगता है, हल्की हल्की ठंडी सी यहाँ पर हवाएं चलती हैं, गर्मी में बहुत अच्छा नज़ारा आता है यहाँ का। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही घूमने के लिए, खूबसूरत जगह घूमने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी के साथ में नई नई जगहों की वीडियो दे सकूं। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।